नमामि रामं रघुवंशनाथम। अभी अभी आपने जो तस्वीर देखी थी चश्मे पे, श्रीमान नीतीश कुमार थे और ये हैं आरसीपी सिंह साहब। अब नहीं रही दोस्ती। प्रशासनिक सेवा में कर्मठ और ईमानदार छवि लिए हुए आरसीपी सिंह साहब जिंदगी भर जनता की सेवा किए और नीतीश कुमार के मित्र बने रहे। मित्रता ही इनको घींच करके लाई और ये जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए। इनको राज्यसभा का मेंबर बना करके दिल्ली में भेजा गया, लेकिन मंत्रिमंडल में भाजपा ने इनको अपने मन से चुन लिया। अब नीतीश कुमार करते तो क्या करते, आरसीपी सिंह से तो दुश्मनी ले नहीं सकते थे। इंतजार ही करते रहे कि जब तुम इस बार भोग लो, दोबारा तुमको हम नहीं भोगने देंगे। और आरसीपी सिंह साहब आए दिल्ली से पटना में, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी कोई औपचारिक भेंट नहीं हुई और न मुलाकात हुई न कोई बात हुई। और आरसीपी सिंह साहब पुनः दिल्ली चले गए। कयास लगाया जा रहा है कि श्रीमान नीतीश कुमार दोबारा उनको राज्यसभा में भेजने के मूड में नहीं है और श्रीमान आरसीपी सिंह साहब जो भाजपा के करीब आ गए हैं उसमें वो आग में घी का काम कर रहा है। आग में घी का काम कर रहा है इनका भाजपा से नज़दीकी। इधर श्रीमान नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से पेंगे पड़ रहे हैं। इफ्तार पार्टी में जाना, इफ्तार पार्टी में बुलाना, बंद कमरे में घंटों बात करना। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी यादव के साथ इनकी पेंगे पड़ने को दिन शुरू हो गए। ये तो हमेशा इसी बात का रोटी खाते हैं कि हमारी बात मानो नहीं तो मैं आरजेडी में चल जाऊंगा, आरजेडी में जाएंगे तब मेरी बात मानो नहीं तो मैं बीजेपी में चल जाऊंगा। यही करते करते बिहार की इन्होंने दुर्गति कर दी। पहली बार तो अच्छा शासन था, लेकिन दोबारा इनके शासन में कोई चमक नहीं थी, ईमानदारी नहीं थी। हत्याओं का सिलसिला रोज बढ़ते गया, यहाँ तक कि इस्कॉन मंदिर में जहाँ देश विदेश से लोग आए थे, गर्भगृह में ही 16 औरतों के चेन छीन लिए गए पटना में। यही अप्रैल महीना में इनकी प्रशासनिक क्षमता भी जवाब दे चुकी है। अब ये तेजस्वी यादव के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इनकी मर्जी। लेकिन जदयू दो फाड़ हो गया, आरसीपी सिंह भाजपा में और नीतीश कुमार आरजेडी में।